हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के गोलगप्पे से दही पूरी चाट और साथ में बताऊंगी कि आप सूजी के फूले फूले गोलगप्पे घर पर कैसे बना सकते हो। मैं आपको बहुत सारी टिप्स बताऊंगी जिससे आप सूजी के फूले फूले और क्रिस्पी गोलगप्पे घर पर बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। दही पूरी चाट बनाने के लिए हम सबसे पहले सूजी के गोलगप्पे बनाएंगे। उसके लिए हमने ली है 200 ग्राम सूजी और मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। आप बारीक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल। ऑयल को सूजी में अच्छे से मिक्स कर लें। हम इसको बाइंड करके देखेंगे। ये इस तरह से बाइंड हो रहा है, मतलब हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंथ लेंगे। ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आटा गूंथना है। ये सूजी का आटा सॉफ्ट होना चाहिए, तभी आपके सूजी के गोलगप्पे अच्छे बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। इसे अच्छे से मल लेंगे, इससे आटा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आटा तैयार हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से गोलगप्पे की शेप दे देंगे। आप इसकी मोटाई देख सकते हो। सूजी के गोलगप्पे थोड़े मोटे ही रहते हैं, इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना होता। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे गोलगप्पों को बेल लिया है। अब हम ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होने पर एक एक गोलगप्पा इसमें डालेंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से फूले हैं ये गोलगप्पे। बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी फूले फूले गोलगप्पे बनकर तैयार हो रहे हैं। दूसरी तरफ से हल्का सा फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे गोलगप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम बाकी के गोलगप्पे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सूजी के गोलगप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहां मैं लिया है आधा किलो दही और उसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच पाउडर शुगर। दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि अच्छे से स्मूथ हो जाए। स्टफिंग के लिए मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू जिसे मैंने छोटे पीसेस में काट लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटा हुआ प्याज, साथ में डाल रही हूँ कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हो। अब सारी चीजों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लें। तो चलिए अब सूजी के गोलगप्पों के बीच थोड़ा सा छेद कर देंगे, इससे हम फिलिंग आसानी से भर सकेंगे। अब मैं गोलगप्पे में फिलिंग भर रही हूँ। इसी तरह से हम सारे गोलगप्पों में फिलिंग भर देंगे। अब मैं गोलगप्पों में डाल रही हूँ मीठा दही, थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देंगे। अब
अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी हरी चटनी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी खट्टी मीठी इमली की चटनी। धनिया की हरी चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी आप जरूर देखिएगा। अब मैं इसमें हरी चटनी और मीठा दही थोड़ा थोड़ा और डाल रही हूँ। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बहुत ही स्वादिष्ट सूजी के गोलगप्पे बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हमारी नई रेसिपी में। टिल देन, बाय बाय।